अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अलीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, जिससे हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जी तो आज हम आपसे अपना किचन भी शेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारा किचन। और आज की जो रेसिपी है हमारी, उसका नाम है मटन कढ़ाई। ये हमारी होम मेड रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आप हर पॉइंट देखिएगा, काइंडली हमारी वीडियो पूरी देखिएगा, जिससे आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो जी। तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक्स दे दी हैं दूसरी रेसिपीज़ की भी, तो वहाँ पर जाके आप देखें, हम बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ देते हैं। सो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए और उससे हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच। चलें, तो हमारा गोश्त अब बॉयल हो रहा है। हमारा गोश्त बॉयल हो जाए तो फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें अपनी मटन कढ़ाई की रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो हम अपना ऑयल ऐड कर रहे हैं अपने पैन में जी। ऑयल हमने ऐड कर लिया है। सो अब हम आपको बताएंगे कि मटन कढ़ाई में क्या क्या ऐड होता है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मटन, टमाटर, उसके बाद लेमन, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया और लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी और कढ़ाई मसाला और दही जी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम अपनी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। एक चम्मच है हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से अब हम अपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब इसका लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, तो फिर हम अपना मटन ऐड करेंगे। तो मटन आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर खाएंगे जी। तो लाइट ब्राउन कलर हमारा आ चुका है, आप देख सकते हैं, हमें इतना ही लाइट ब्राउन कलर करना है। उसके बाद हम अपना मटन ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो मटन हम ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से ऐड करना है आपको। फिर हम अच्छे से अपने मटन को 5 मिनट के लिए लगातार भून लेंगे। हमारा मटन हाफ के जी है, सो हम उस हिसाब से अपने सर सामान कट कर लिए हैं, और हिसाब से तो आपका ज़्यादा हो तो आप उस हिसाब से काट सकते हैं, ठीक। सो अब हम अच्छे से भून लेंगे अपने मटन को। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होती है, सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें, तो अब हमने मटन को भून लिया है, सो अब हम अपने टमाटर ऊपर से रख देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जिससे हम रख रहे हैं, आपको भी वैसे ही रखने हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, जिससे हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, उससे हमें सपोर्ट मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो अब हम अपना ऊपर से कवर कर लेंगे टमाटर को, उसको बाफ आएगी तो उसकी खाल हम उतार लेंगे, फिर अच्छे से हम अपने टमाटर को भून लेंगे जी। तो टमाटर हमने हमारे अच्छे से बाफ आ चुकी है, तो अब हम अपने टमाटरों की खाल उतार लेंगे जी। तो इसी तरीके से हमें खाल सबकी उतार लेनी है जी। सो अब हमने अपने टमाटरों की खाल उतार ली है, तो हम अच्छे से अपने टमाटरों को कूट लेंगे, फिर उनको अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से भूनना है अच्छे से। हमने अपने टमाटर्स को अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भूनना है अपने टमाटर्स को। सो अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे टमाटर में जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नमक पे ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और उसके बाद हम अपनी हरी रेड चिली ऐड करेंगे 2 चम्मच,
उसके बाद हम ऐड करेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, उसके बाद हम आधा चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे, और उसके बाद हम एक चम्मच फुल भर के कढ़ाई मसाले का ऐड करेंगे। फिर हम अच्छे से अपने सारे मसालों को गोश्त की कढ़ाई में मिक्स कर लेंगे। जी तो अच्छे से मिक्स कर लिया लेंगे हम अपने मसाले को, अच्छे से पक जाए हमारा मसाला। जी तो अब हमारा अच्छे से मसाले को हमने मिक्स कर लिया, तो अब हम उसमें अपनी दही ऐड करेंगे। हमने दही हाफ कटोरी लिए अपने मटन के हिसाब से, सो अब हम अपने दही को मटन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सी बनती है, सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो अच्छे से हम मटन को दही में भून लेंगे, फिर हम दही का पानी सुखा लेंगे। जी और अब हम अपना लेमन दही के साथ ही साथ ऐड कर लेंगे और फिर हम मिक्स कर लेंगे। जी तो हमारी रेसिपी तैयार है, आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी का फाइनल लुक, कितनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, लाजवाब सी खुशबू आ रही है। सो आप भी ज़रूर ट्राई करें, देखिए कितनी मज़ेदार सा लुक आ रहा है हमारी चिकन मटन कढ़ाई का, ये बहुत ही टेस्टी होती है, तो सो आप ज़रूर ट्राई करें। जी तो आप हमने सर्व कर लिया है अपनी मटन कढ़ाई को, आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी है। जी तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जी तो ऐसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।